Hey guys, I have started the Vizag K3 vlog with this beautiful view, and we are going to now Arakku Valley. और हम लोग साढ़े सात बजे बस में बैठ गए थे और 7:45 पर बस छोड़ दिया था. हम लोग ने ऑनलाइन बुक ही कर लिया था इस बस में. और अभी बज रहा है रात के अभी बज रहा है सुबह के 9:30. और अभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम है हम लोगों को पहुंचने में. और अभी हिल्स पे हम लोग चढ़ रहे हैं. और तो आज का जो डे है, आज का डे होगा Arakku Valley एंड बोरा केव्स इसके ऊपर. एंड उसके बाद हम लोग का ट्रेन है. तो हम लोग सुबह इन्होंने बिस्किट खा लिया और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हम लोग ने ले लिया है रास्ते में, भूख अगर लगता है तो यही है. और हम लोग 7:30 बजे निकल तो गए थे एक बस में. फिर बस ना शायद सुनाई दे रहा होगा, हाँ, तो बस ना बीच में हम लोगों को उतार दिया, सभी लोगों को उतार दिया. और बोल रहे थे कि बस फिट नहीं है Arakku Valley जाने के लिए, हम लोगों को दूसरा बस मिलेगा. ये थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल लगा. मतलब हम लोग उतर गए, बट थोड़ी देर विदिन 15-20 मिनट्स और एक बस आ गया. हम लोगों को सेम सीट मिल गया था. बट अगर मेरी बात ये है, अगर पता ही है Arakku Valley नहीं जा सकता है वो बस, तो छोड़ा ही क्यों. और अभी हम लोग हिल्स पे चल रहे हैं और पूरा शरीर मेरा थक चुका है. और बट ये लास्ट डेस्टिनेशन है हम लोगों का इस Vizag K3 ब्लॉग में. एंड Vizag का भी लास्ट ब्लॉग है. और रात को ही ट्रेन है और यहाँ पे है. अच्छा होता है अगर आप ट्रेन बाई ट्रेन जाते हो. और हम लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बस से. क्योंकि ट्रेन में जाने से व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है. और अगर विंटाडोन करते हो आप तो और भी अच्छा आता है. तो हम लोगों का मेन जो टारगेट है वो है बोरा केव, Arakku Valley नहीं. क्योंकि बोरा केव देखना है. Arakku Valley में जो सब म्यूज़ियम वगैरह हैं, ट्राइबल म्यूज़ियम है, वो सब हम लोगों को देखने का उतना ज़्यादा मन नहीं है. बट देखते हैं और आने का भी हम लोग बहुत जल्दी भी आ जाएंगे. बहुत टाइम तो वहाँ पर हम लोग नहीं स्पेंड कर सकते हैं. यही है. तो चलिए तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैं भी देखती हूँ बोरा केव. हम लोग बस से उतर गए थे, वो हम बता रही थी, बट शायद ऑटो की आवाज़ से आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा. तो टिकट तो किया था हम लोगों ने Arakku Valley तक, बट यहाँ पे बोरा केव्स हम लोगों का मेन जो प्रेफरेंस था, हम लोगों का बोरा केव्स था. Arakku Valley में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों का जाने का मन नहीं है. और यहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया था, 500 रुपीज़ चार्जेस बोल रहे थे. हम लोग बर्गेनिंग करके 400 तक सिर्फ ड्रॉपिंग का लिया है. और यहाँ पे भी बहुत दूर पे रोक दिया जाता है क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहा है. अभी बहुत भीड़ हो गया है इसीलिए. तो अभी जाते हैं बोरा केव्स. बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत बहुत सारे भर के हैं इसीलिए. और रेल स्टेशन भी सामने है. रेल से आते हो, अगर ट्रेन से आते हो बहुत ही बढ़िया है. आपको कुछ ऑटो वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि रेल स्टेशन से बिल्कुल सामने है. ये सब हम लोग देख के आए थे, पर हम लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिला. तो जाती हूँ भीतर में और आप लोगों को दिखाती हूँ. Hey guys,
सो वोडा कैंप्स हम लोग एक्सप्लोर करते रहे और उसी बीच में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. कुछ ऐसा चीज़ मैंने रिसेंटली लिया है और मैंने ड्यूरिंग जो मेरा हॉलीडे था, वैकेशन था, वहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है, तो वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो पहले दिखा देती हूँ, ये है वेस्लिन बॉडी लोशन. ये मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने लिया है, उन लोगों का खत्म हो गया था. और एक्चुअली क्या बताऊँ, ये हम लोगों का मतलब मेरा भी और मम्मी पापा का भी पर्सनल फेवरेट है, जो भी सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट वेस्लिन बॉडी लोशन तो चाहिए गर्मी में भी सर्दी में भी. सर्दी में भी सर्दी का और गर्मी में वो एलोवेरा वाला वो वाला चाहिए. तो ये मैंने लिया है अमेजन से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा. तो ये लिया है मेरे मम्मी पापा के लिए. उसके बाद ये यहाँ पे ये बॉटल मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, बट दिखा दे रही हूँ. ये मैंने लिया है जैक ऑलिव ऑयल. ये लास्ट मैं पता नहीं कितने बरसों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, 10-12 साल हो गया है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया है. शादी से बहुत पहले मैं ये यूज करते आई हूँ. मेरे फैमिली में सभी लोग दी, मैं, मम्मी, सभी लोग ये यूज करते हैं. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशबू है इसका. तो ये है जैक ऑलिव ऑयल. इस बार मैंने भी लिया है मेरे लिए, मतलब शादी के बाद मैं ये यूज नहीं करती थी, बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे फिर से इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं इसको बहुत मिस कर रही थी. उसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद आती है. तो एक लिया है मैंने मम्मी के लिए और एक लिया है मैंने अपने लिए. तो ये गया जैक ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल मतलब बॉडी ऑयल मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली विंटर में बहुत ही अच्छा लगता है. और बॉडी ऑयल का क्या है ना, फ्रेग्रेंस जो है आप वेट बॉडी में यूज करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब फ्रेग्रेंस ऑल डे लॉन्ग रहता है. उसके बाद ऑब्वियसली हमेशा चाहिए निविया रोलन. ये मेरा खत्म हो गया है, ये मेरा फोर्थ या फिफ्थ बॉटल है. तो ये मैंने अभी इस बार लिया है पर्ल एंड ब्यूटी. इसमें बहुत सारा वैरायटी मिलता है, मैं हर एक बार एक एक ट्राई करती रहती हूँ, बट पर्ल एंड ब्यूटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. तो ये गया नेक्स्ट. उसके बाद मेरे पापा के लिए मैंने लिया है ये शैम्पू. ये है सनसिल्क शैम्पू. पापा को जितना भी दे दो, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलता है, तो मैं पर्सनली प्रोडक्ट्स उतना ज़्यादा परचेस नहीं करती हूँ. अपने जो कॉस्मेटिक्स है वो ज़्यादा परचेस नहीं करती हूँ. तो वो सब शैम्पू वगैरह बहुत ही अच्छा होता है, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं. बट पापा को चाहिए नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे झाग वाला चाहिए. तो पापा बहुत दिनों से ये यूज़ करते आए हैं, तो पापा के लिए मैंने इस बार लिया है सनसिल्क का ये शैम्पू. उसके बाद मेरे पापा कभी भी कुछ भी यूज नहीं करते हैं विंटर के सिवाय, क्योंकि गर्मी के टाइम में पापा कुछ यूज नहीं करते हैं, बट विंटर टाइम में पापा को कुछ चाहिए. तो पापा को ये क्रीम बहुत पसंद है. ये हिमालय का मॉइस्चराइजर है, नरिशिंग क्रीम है, हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा साइज में और बहुत ही अफोर्डेबल है. 200 रुपीज में आपको इतना 200 ml मिल रहा है, आपका फुल विंटर चला जाएगा. अगर आप आपके पापा के लिए, भैया के लिए, मतलब हम लोग लड़कियां बहुत चूजी होते हैं हमारे स्किन केयर के मामले में, बट लड़के लोग उतना नहीं होता है. अगर आप पापा के लिए, भैया के लिए, किसी के लिए भी आप लेना चाहते हो वो आप ये ले सकते हो. ये बहुत ही अच्छा एक क्रीम है और लड़की लोग भी ये यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते हो. बहुत ही अफोर्डेबल में हिमालय का प्रोडक्ट, आप लोग पता है आप बहुत ही अच्छा होता है हिमालय का प्रोडक्ट. तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एंड नेक्स्ट मैंने लिया है फिर से लेनेज का लिप बाम. लेनेज और लेनेज समथिंग. तो ये मेरा खत्म हो गया था और ये मुझे बहुत पसंद आया है, लेनेज का लिप स्लीपिंग मास्क. अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लीज एक बार ट्राई करो. इसका प्राइस थोड़ा सा प्राइसी है, मतलब लिप बाम के हिसाब से ये छोटू सा बॉटल का दाम है 500 रुपीज, बट ये वर्थ इट. मतलब बहुत दिन तक आराम से चला जाएगा, आराम से चला जाएगा. एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही. आप जितना भी आपका क्रैकी लिप्स हो, आप रात में ये लगा के सो जाओ, फिर सुबह उठ के आपको बेबी सॉफ्ट लिप्स मिलेगा. तो ये भी मैंने लिया है अमेजन से. जो भी प्रोडक्ट मैंने दिखा आप लोगों को, सभी प्रोडक्ट मैंने अमेजन से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. अगर आप लोगों को पसंद आता है कुछ भी चीज, आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो. तो चलिए अभी वोडा केव्स में चलते हैं. वोडा केव्स नाउ एंड हम लोग जा रहे हैं अंदर, कैमरा लेके नहीं जा रहे हैं, मोबाइल से जितना होगा हम लोग उतना ही शूट करेंगे. तो चलो बी अवेयर ऑफ मंकीज. बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है. और अभी बज रहा है 12:15 और अभी इतना आदमी बाहर से अंदर से बाहर निकल रहे हैं. हाँ. तो कितना सुबह से यहाँ पे लोग आना शुरू करते हैं देख के समझ में आता है. और यहाँ पे नदी है. हम
शोड इज योर एंट्रेंस। दैट इज द बोड़ा केव। बहुत रश है, बहुत रश है यहाँ पे। अंदर आ गए हैं, लाइट बहुत ही कम है और मोबाइल से शूट कर रही हूँ इसलिए क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रहा है, आई नो। एंड यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स, नेचुरल क्रिस्टल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो देखने को मिल रहा है आप लोगों को, वाइट कलर की ये और अंदर लाइट्स दिया हुआ है, कलरिंग लाइट्स, ताकि थोड़ा सा केव का जो और डेप्थ है वो बढ़ जाए। चलो देखते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं, वरना ऊपर फिर से उठेंगे। देखते हैं एक इंसान, दो इंसान कितना नीचे जा सकते हैं। चलिए, और इस यहाँ का टेक्सचर देखिए, वो बहुत ही शाइनी, कुछ वाइट एंड ब्लू कलर का हो गया है और ऊपर का कुछ ऐसा और नीचे का, और ये सब ना लोग आवाज़ें कर रहे हैं, मतलब शांत नहीं रह रहे हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आई गेस। एंड में पहुंच गए हैं, इसके बाद जा नहीं सकते हैं, दिखाती हूँ। बहुत ही ख़राब आ रहा है, आई नो। ये लास्ट एंड है और क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं कैमरा भी लाती तो भी ज़्यादा मैं मतलब कैप्चर नहीं कर पाते कैमरा, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा होता बट और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही अंधेरा है एंड थोड़ा बहुत लाइटिंग है, दैट्स इट। और इस केव का जो मतलब असली मज़ा है वो अगर आप रियल आके देखते हो तो ही आपको मज़ा आएगा, वरना मतलब कैमरा में तो उतना आएगा ही नहीं, और या फिर बहुत अच्छा हाई फाई कैमरा चाहिए इसको कैप्चर करने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो इसका ना और मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा है, तो चलो चलो निकलते हैं बोड़ा केव से। बोड़ा केव से आ गए हैं और यहाँ पे अभी एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो लंच के लिए हम लोगों ने लिया है फ्राइड राइस एंड एक कड़ी, दिखाती हूँ मैं। लंच वेज फ्राइड राइस, रायता, ये कुछ सांबर टाइप कुछ है, और वो है एक कड़ी एंड वो है रायता अगेन। तो चलो अभी पेट पूजा करते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे से निकल रहे हैं और यहाँ पे क्लोक रूम भी है, तो जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। एंड एक बार व्यू दिखाऊंगी आपको, पीछे में तो आप लोगों को देख ही रहा होगा, और एक व्यू दिखाती हूँ पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है बट नहीं, धूप ही निकल के आया है। और मुझे बैम्बू चिकन खाने का मन था यहाँ का, मैंने देखा था कि यहाँ का बैम्बू चिकन मतलब चिकन को मैरिनेट करके बैम्बू में पकाया जाता है, बट हम लोग लंच ऑलरेडी हम लोगों ने लंच कर लिया तो अभी वो फ़ायदा नहीं। Thank you.
बहुत बहुत देर बाद हम लोग शूट कर रहे हैं राइट, और आज हम लोगों के साथ जो हुआ क्या बताएं हम लोग। अगर जगह के बारे में बताना हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा ही हो गया। मतलब मैं यहाँ पे आई थी, आने से पहले मैं सब कुछ देख के आई थी, ये सब वगैरह कैसे जाना है कैसे नहीं जाना यूट्यूब के वजह से। बट एक चीज़ हम लोग देखना भूल गए, मैं भूली नहीं थी, मैं सोच रही थी कि उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वही हो गया हम लोगों के साथ और बहुत कुछ हो गया। थोड़ा सा बता देती हूँ, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, और अभी हम लोग आर के बीच के सामने बैठे हुए हैं। हम लोग गए थे बोड़ा केव्स एंड हम लोग को ट्रेन का टिकट नहीं मिला था एज़ यू ऑल नो, तो हम लोग गए थे बस से, तो बस हम लोगों ने बुक किया ऑनलाइन, और उसके बाद एक मेल आया हम लोगों के पास कि आप लोगों का टिकट कैंसिल हो गया, पेमेंट हो गया था कैंसिल हो गया। तो ठीक है, हम लोग फिर बस स्टैंड गए और वहाँ से जाके फिर से हम लोगों ने बस टिकट लिया, और उसके बाद कॉन्टेक्टर ने 5 मिनट पहले हम लोगों को फ़ोन किया कि आपका टिकट कन्फर्म है, आप कब आ रहे हो। 7:40 पे हम लोगों को फ़ोन किया, 7:45 पे हम लोगों का बस था, और वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन था अगर आपका कन्फर्म होता है तो हाफ एन आवर पहले आपको मैसेज आ जाएगा राइट। हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ तो हम लोगों का डबल टिकट लगा, इट्स ओके। हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग बोड़ा केव्स के लिए उतर गए वहाँ पे, और अराकू वैली नहीं गए क्योंकि हम लोग का प्लान ही था हम लोग अराकू वैली नहीं जाएंगे, अराकू वैली में जो म्यूजियम वगैरह जो भी कुछ है हम लोगों को देखना नहीं है, तो हम लोग जाएंगे बोड़ा केव्स ओनली। तो वहाँ से हम लोग ऑटो लेके, लोकल ऑटो लेके हम लोग बोड़ा केव्स गए थे, और बोड़ा केव्स में ज़्यादा टाइम तो हम लोग नहीं स्पेंड कर पाए थे, और इन्होंने किया बस जाने वक्त ही बस का रिटर्न टिकट भी इन्होंने काट लिया था। तो 4 बजे हम लोगों का बस था और हम लोग वापस आ गए थे 2 बजे, और 2 घंटा हम लोगों का कुछ करने का कुछ नहीं था। फिर हम लोगों ने एक प्राइवेट कार बुक किया शेयर में, और हम लोग आ गए उसमें भी डबल पैसा लगा हम लोगों का, मतलब एक एक जन का बस में 150 करके था राइट, 144 करके था, और हम लोग यहाँ पे कार से आए तो 300 करके था। तो ठीक है, वापस आए, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं अभी आर के बीच के सामने, क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि ठीक है अभी जल्दी हम लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोग वो टेंपल जा पाएंगे, बट 4:30 यहाँ पे हम लोग पहुँचे, और यहाँ से फिर से जाना है, और 6 बजे टेंपल बंद हो जाएगा, तो टेंपल भी नहीं घूम सकते हैं, और घूमने का कोई जगह नहीं है यहाँ पे अभी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि समुंदर के सामने ही बैठे रहे, और 9:30 ट्रेन है। तो ये पूरा गया हम लोग का, वापी लंच वंच सब कर लिया मैंने, और अभी हम लोग कॉर्न खा रहे थे, भुट्टा खा रहे थे, मैं खा रही थी, ये नहीं खा रहे थे, मैं भुट्टा कभी नहीं खाती हूँ उतना ज़्यादा, बट यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना। 1 मिनट, कान में क्या हो गया, तो फोकस था, तो इसीलिए तब बहुत टाइम मैंने शूट नहीं किया, मैं सो गई थी कार में और टायर्ड भी थी, और अभी है समुंदर के सामने हम लोग बैठे हुए, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और संडे है तो बहुत रश है, बहुत 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 रश है यहाँ पे, और आज लास्ट डे है हम लोग का वैकेशन का, और हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं, और पता नहीं आज का व्लॉग कितना होगा, बट जितना भी होगा मैं आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी, छोटा सा होगा जितना भी होगा अपलोड करूँगी। और हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद होटल में, होटल से सामान लेके फिर जाएंगे स्टेशन, और 9:20 पे हम लोगों का ट्रेन है, एंड फिर जाएंगे कोलकाता, एंड कोलकाता से फिर जाएंगे अपने घर, और कोलकाता में एक सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में बताऊँगी क्या है, उसका व्लॉग मैं ज़रूर करूँगी, बहुत दिनों से प्लान हो रहा है। और एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे यहाँ पे आके, जहाँ पे हो सॉरी वहाँ का खाना अगर आप खाते हो ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आप अपने स्टाइल का खाना खाना चाहते हो तो भी थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट लाइक हम लोग इतने दिन आए हैं हैदराबाद में, 10 दिन तक हो गया है हम लोगों का, बट हम लोगों ने एक दिन भी चावल वगैरह कुछ ऐसा है सच कुछ नहीं खाया, रोटी वगैरह हम लोग ले रहे थे एंड बिरयानी वगैरह ये सब ले रहे थे, इडली डोसा ये सब खा रहे थे, बट कल रात को हम लोगों ने लिया था दाल चावल मटर पनीर एंड पापड़, और वो खाने के बाद पनीर वैसे मैं नहीं खाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा लग रहा था इसलिए मैंने नहीं खाई है, बट इन्होंने खाया है तो मैं दाल चावल के साथ ही मैंने खा लिया था, बट मैं उस
वो खाने के बाद ही मुझे थोड़ा पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा, बट अभी ठीक है। बट इनके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो पनीर खाने की वजह से, आई नो। तो वही घर से बोलते हैं हमेशा कि चावल खा लो चावल खा लो, चावल दाल कुछ ऐसा बंगाली फूड खा लो, बट जहाँ पे आ रहे हो ना वहाँ का फूड खाने से पेट बिल्कुल ठीक रहता है। बट मैं अभी ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी बट अभी ठीक है। एंड अभी सिर्फ जाना है और डिनर भी करनी है और मिस्टर आ गए हैं। और ये बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है ना, नारियल के पेड़ के सामने, मतलब कोकोनट के पेड़ के सामने। चलो थोड़ी देर बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। और अभी हम लोग बीच में चल रहे हैं, बीच रोड पे चल रहे हैं। पिया खा रही है मुरी, मसाला मुरी। और हम लोगों का आज वाइजग में लास्ट डे है। आज रात को ही ट्रेन है, आप लोगों को पता ही है। लास्ट डे, लास्ट व्यू, लास्ट बीच रोड ऑफ दिस वैकेशन। लास्ट डे में हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं और समुंदर की हवा लेते हुए जा रहे हैं। और हम लोगों को ये समझ में आ गया कि आप अगर पैदल चलते हो यहाँ पे वाइजग में तो काफ़ी कुछ देखने मिलेगा आपको, और बहुत कुछ समझ में भी आएगा, जैसे रोड या शॉप्स, जो कुछ भी है। फिश एक्वेरियम जो है ना वो है। हाँ ये देखिए, ये है मत्स्य दर्शिनी, यहाँ का फिश एक्वेरियम, कोई फिश शो होता है यहाँ पे। हम लोग गए नहीं, बहुत जगह है हम लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि सब जगह देखने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने एक्चुअली यूट्यूब में देख लिया था क्या क्या जगह है और कहाँ कहाँ पे जाना है, बेफालतू में घूमके मैं ऐसा नहीं करना चाहती कहीं पे जाके हम लोग निराश हो जाए, ए क्या देखा अच्छा नहीं लगा, अगर ना भी जाते तो अच्छा लगता, ये चीज़ नहीं करना चाहती। अभी जाते हैं होटल में और करते हैं फाइनल चेकआउट फ्रॉम वाइजग।